नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को असली अपराधी पाठ से संबंधित कहानी को बतलाया था। एक बार पुनः मैं इसकी जानकारी करा देना अति तुम समझता हूँ। असली अपराधी में देखिए बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे कि एक कुम्हार जो है वह राजा का दरबार जब लगा हुआ था और राजा राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त वह कुम्हार आया और राजा से अपनी फरियाद सुनाने लगा। फरियाद के दौरान उसने कहा कि मेरा एक पड़ोसी है जो अपनी दीवार को सही ढंग से नहीं बनवाया था, जिसकी वजह से उसकी दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई। अतः राजा आपसे निवेदन है कि इसका उचित न्याय हो तथा इसका हर्जाना भी मुझे मिले। तो इस प्रकार राजा का मंत्री जब सुना तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं आपसे चाहता हूँ कि पूरे मामले की छानबीन करके और तब इसका उचित न्याय दिया जाए, इसके लिए आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा मंत्री के बातों पर सहमत हो गए। इसके बाद बच्चों, आप लोग देखते हैं कि वह कुम्हार चले जाने के बाद मंत्री जो है कुम्हार के पड़ोसी के पास गया। पड़ोसी के दौरान राजमिस्त्री, मजदूर, दुकानदार, इस तरह से क्रमबद्ध सबको बुलाया गया और अंत में परिणाम यही निकला कि कुम्हार जो था वह घड़ा या अपना कार्य सही ढंग से नहीं बनाया था, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः राजा ने कहा कि तुम्हारा हर्जाना यही है। इस कहानी को मैंने आप लोगों को बतलाया था। इसी पाठ से संबंधित असली अपराधी पाठ से मैं आपको मौखिक कौशल और लिखित कौशल कराने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखिएगा। देखो बच्चों, मौखिक कौशल पाठ का नाम है असली अपराधी, उसमें मौखिक कौशल देखे। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है आपका, आदमी के जाने के बाद मंत्री ने राजा से क्या कहा। वह आदमी जो फरियाद लेकर आया था वह चला गया तो मंत्री ने राजा से क्या कहा। उत्तर में आप लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, आदमी के जाने के बाद मंत्री ने राजा से कहा कि मैं पूरे मामले की छानबीन करके असली अपराधी को आपके सामने लाना चाहता हूं। मंत्री ने राजा से क्या कहा कि मैं पूरे मामले की छानबीन कर लूंगा, इसके बाद मैं असली अपराधी को पकड़ करके आपके सम्मुख आपके सामने अवश्य ला दूंगा। तो इस तरह से बच्चों, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मामले की जांच के लिए किसको बुलाया गया, यानी उस मामले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उन किन किन लोगों को बुलाया गया। तो बच्चों, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, मामले की जांच के लिए कुम्हार के पड़ोसी, राजमिस्त्री, मजदूर, दुकानदार और कुम्हार को बुलाया गया। यही लोग उसमें शामिल थे और इन्हीं लोगों को बुलाया गया, राजा ने बुलाया। तीसरा क्वेश्चन, अंत में मंत्री ने कुम्हार से क्या कहा। अंत में मंत्री ने कुम्हार से क्या कहा। उत्तर है, अंत में मंत्री ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी अपनी गलती से ही तुम्हारी बकरी मरी, इसलिए दूसरा कोई भी तुम्हें हर्जाना नहीं देगा। यानी राजा ने क्या अपना निर्णय दिया कि आदमी जो न्याय की गुहार लेकर आया था राजा के पास,
तो राजा ने अपना निर्णय दिया कि ये तुम्हारी ही गलती के कारण तुम्हारी बकरी मरी, अतः कोई दूसरा तुम्हें हरजाना नहीं देगा, इसलिए क्योंकि तुमने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया था। तो इस तरह से बच्चे मौखिक कौशल आपका समाप्त हुआ। इसके बाद लिखित कौशल में आप देखें क नंबर, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। लिखित कौशल में क नंबर है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है आपका, राजा राज दरबार में क्या कर रहे थे? राजा राज दरबार में क्या कर रहे थे? तो उत्तर में, उत्तर पुस्तिका में आपको लिखिएगा, राजा राज दरबार में राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। राजा दरबार लगाए हुए थे और राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, आदमी क्या समस्या लेकर राजा के पास आया था? यानी वह जो आदमी अपनी कौन सी समस्या लेकर के राजा के पास राज दरबार में आया था? तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, आदमी दीवार गिरने से बकरी मरने की समस्या लेकर राजा के पास आया था। आदमी कौन सी समस्या लेकर राजा के पास आया था? तो आदमी यही समस्या लेकर के आया था कि दीवार गिरने से उसकी जो बकरी मर गई थी, यही समस्या लेकर के वह राजा के पास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर आप देखें, दुकानदार को घड़ा किसने दिया था? यानी दुकानदार को घड़ा किसने दिया था जो ये सब सारी घटनाएं हुई? तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, दुकानदार को घड़ा कुम्हार ने दिया था। दुकानदार को घड़ा किसने दिया था? तो दुकानदार को घड़ा कुम्हार ने दिया था। इस तरह से बच्चों, ये आप लोगों का मौखिक कौशल और लिखित कौशल का क नंबर समाप्त हुआ। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ख ग कराऊंगा। आज इतना ही रहने दीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखिएगा, याद करने का भी काम अवश्य कीजिएगा, साथ ही एक पन्ना सुंदर राइटिंग अवश्य लिखिएगा। ये सभी आपकी कापियां देखी जाएगी स्कूल खुलने के बाद। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।